विद्यार्थियों, आप लोग अभी हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आपने पिछला पार्ट पढ़ा सपने जाग उठे, उसके आपने क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कॉपी में लिख लिए होंगे, दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 भिखारी। इसमें भिखारी भाग 1, इसमें मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी, है ना। उसके बाद मैं आपको चैप्टर समझाती जाऊंगी, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे, ठीक। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 भिखारिन, है ना। इसमें एक भिखारिन और एक छोटे बच्चे की कहानी है कि कैसे भिखारिन को बच्चा मिलता है और वो उसको पालने पोसने लगती है। ध्यान दो, रविंद्रनाथ टैगोर मानवीय संबंधों के चित्रण में कुशल थे। हमारे आसपास के किरदार जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, टैगोर जी उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी की रचना कर लेते थे। यह कहानी भी टैगोर जी ने एक भिखारिन के इर्द गिर्द बुनी थी, जिसमें भिखारिन के दर्द व प्रेम की अनुभूति अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित हुई। मतलब यह कहानी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। ध्यान दो, अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, है ना। मंदिर के बाहर एक अंधी खड़ी रहती थी और जो भी मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलता उससे वो कहती कि अंधी पर दया हो जाए, मतलब वो उनसे भीख मांगने लगती कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उनका यह अनुमान असत्य न था, आने जाने वाले 2-4 पैसे उनके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सहारती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी, है ना। अब क्या होता था कि वो मंदिर रोज़ मंदिर के बाहर खड़ी रहती थी तो मंदिर में आने जाने वाले जो श्रद्धालु रहते हैं, जैसे हम भी मंदिर में जाते हैं, कभी कोई भिखारी रहता है तो हमको दान करने की इच्छा होती है तो हम उनको दान कर देते थे। ऐसे बहुत से लोग उसको पैसे दे देते थे और कुछ महिलाएं उसको अनाज भी दे दिया करती थी। प्रातः से संध्या तक, मतलब सुबह से शाम तक, वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। मतलब सुबह से शाम तक वह उसी मंदिर के बाहर खड़ी रहती और फिर जब उसको जितना भी पैसा मिल जाता उसका धन्यवाद करके, भगवान को धन्यवाद करके, अपने झोपड़ी की तरफ वह चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में याचना करती जाती, किंतु राहगीरों से अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते, है ना। जब उसकी झोपड़ी कहाँ थी? नगर के बाहर थी। तो जब वो रास्ते में से निकल के जाती थी तो और लोगों से पैसा मांगती जाती थी, लेकिन कुछ लोग उसको क्या करते थे? मना कर देते थे और कुछ लोग उसको पैसा दे देते थे। तो वो शाम तक जब अपने घर पहुँचती थी तो उसको 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती, है ना। जब वो अब घर पहुंचती तो एक 10 साल का बच्चा उसके पास में खेलता हुआ आता और वो अंधी जो वो भिखारिन रहती वो उसको उस पकड़ के उसका माथा चूमती है। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था, उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहलाती, है ना। कौन था, किसका था, किसी को भी नहीं पता था। एक बार लोगों ने देखा कि उसके पास में छोटा सा बच्चा है और वह उसको चुप कराने का प्रयत्न कर रही, लेकिन किसी ने भी उससे यह नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। जब से वह बच्चा उसके पास में रहने लगा और वह बच्चे को क्या करती थी, अपने से अच्छा खिलाती और अपने से अच्छा उसको पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े, है ना। उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी जिसके अंदर कि जो भी वह सुबह से शाम तक जो भी पैसा मांग कर लाती थी, भीख मांग कर लाती थी, वह सब उसी में गाड़ करके रख देती थी और उसको ऊपर से ढांक देती थी ताकि कोई उसका पैसा उस पर ले ना सके। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे वह काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती।
रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। क्या करती थी, वो पैसे लाकर के हांडी में रखती थी और फिर उससे जो उसको जो अनाज मिल जाता था उस अनाज से उसका काम चलता था, तो वो पहले अपने बच्चे को खिलाती थी, उसके बाद फिर खुद खाती और रात को सोती, फिर सुबह उठती जब फिर बच्चे को खिला पिला करके और उसको वहीं घर पर छोड़ करके वो फिर मंदिर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बहुत बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे जब सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते, कोठी पे हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाता रही है ना। अब वहीं वहाँ जहाँ पर भिकारन रहती थी काशी में, वहीं पर एक प्रसिद्ध कौन रहते थे, सेठ जी रहते थे बनारसी दास। वो उनको सभी लोग जानते थे और वह बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे ना, देशभक्त व्यक्ति थे, धर्मात्मा व्यक्ति थे और वो धर्म में उनका बहुत ध्यान पूर्ण था और सभी लोग उनके पास में जाकर के अपना पैसा जमा कराते थे। और कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो उनसे उनके पास में अपनी पूंजी रख कर जाते थे कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब वो उनसे आकर के ले लेंगे। तो यह बात किसको पता थी, भिखारी इनको पता थी, लेकिन वो अपनी पूंजी वहाँ पर रखना नहीं चाहती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। अब जब अंधी के पास भी बहुत सारे रुपए हो, उसने सोचा कि यदि मैं यहाँ घर में रखती हूँ तो मेरे पैसे कोई भी चुरा करके ले जाता है, तो उसने क्या करा, वह हांडी निकाल करके उसके सारे पैसे निकाल करके और सेठ जी के वहाँ पर पहुँची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? वो जब उन्होंने बुढ़िया को देखा तो उनसे पूछा कि क्या है, क्यों आई हो तुम यहाँ? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूँगी। तो सेठ जी ने क्या कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो अंधी ने क्या कहा कि मैं ये पैसा लेकर के आई हूँ, मैं इतना सारा पैसा कहाँ रखूँगी, मैं अपाहिज हूँ, इसलिए यह पैसा आप अपने पास जमा कर लो। सेठ जी ने हांडी की ओर देख कर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, मतलब इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। तो जब सेठ जी ने पूछा हांडी देखकर कि इसमें तुम क्या लेकर के आई हो, तो वो क्या बोलती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए भीख मांग मांग कर पैसा जमा करा है, तो ये आप अपने पास में रख लो, क्योंकि मैं डरती हूँ कि कोई मुझसे ये पैसा छीन कर या चुरा कर न ले जाए। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है ना? सेठ जी ने अपने मुनीम को क्या बोला कि इसको तुम ये पैसे तो जमा कर लो। और बुढ़िया से पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। अब सेठ जी ने उसका नाम पूछकर वो जो जितने पैसे लेकर गए थे वो उसके नाम से जमा करके रख लिए और वह सेठ जी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। ज्वर ने मतलब बुखार ने, उसको उस बच्चे को बुखार आ गया। 2 वर्ष तक तो बहुत अच्छे से वो रहती रही, लेकिन फिर उसके बच्चे को बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूँक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए है ना। जब उसका लड़का बीमार हो गया तो उसने दवा दारू करी, झाड़ फूँक वाले से बात मतलब झाड़ फूँक वाले को दिखाया, टोने टोटके करवाए कि किसी तरह उसका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसके सारे प्रयत्न, जो भी वो काम करती है सारे प्रयत्न उसके विफल गए। उसके बच्चे को कुछ भी आराम नहीं लगा। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। उसने सब तरह का इलाज कर लिया, दवा दारू करा ली उसने,
झाड़ फूँक करा लिए और टोना टोटका करा लिया, लेकिन उसके बच्चे को कोई आराम नहीं लगा। तो उसने सोचा कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, यदि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तो मेरे बच्चे को आराम लग जाएगा। और ऐसा सोच करके वह सेठ जी के पास पहुंची, पैसा अपना पैसा लेने के लिए पहुंची कि भाई डॉक्टर को दिखाएगी तो उनको फीस देना पड़ेगी। तो वह अब कहाँ पहुंची, सेठ जी की कोठी पर पहुंची। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, है ना। सेठ जी अब के पास पहुंची अंधी, उसने बोला कि सेठ जी मेरे पैसे जो आपके पास जमा उसमें से मुझे 5-10 रुपये दे दो, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। सेठ जी ने उसको क्या कहा, मना कर दिया कि नहीं मेरे पास कोई तुम्हारे पैसे नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए बड़ी दया होगी। वो क्या कहती है कि मैं आपके पास में पैसे अपने पास आपके पास जमा करके गई थी, लेकिन आप मुझे वो पैसे दे देंगे तो आपकी बहुत दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या, जमा है क्या, तेरा नाम क्या है री, है ना। अब जब उसने जब अंधी ने अपने पैसे मांगे तो सेठ जी ने मुनीम जी की तरफ देख कर कहा, पूछा उनसे कि जरा देखना इसका नाम लिखा है क्या, और पूछ देखो इसके नाम खाते में कुछ पैसे हैं क्या, और उससे उसका नाम पूछते हैं। अंधी की जान में जान आई आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान ना रहा होगा, ऐसा धनी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो एक पाई भी जमा नहीं है, है ना। जब सेठ जी ने बोला मुनीम जी को देखने के लिए तो उसको लगा कि हाँ सेठ जी भला आदमी है, मेरे पैसे दे देगा, अपना नाम बताया, तो मुनीम जी ने पन्ने पलट कर कह दिया कि नहीं इसमें इनके नाम का कोई भी पैसा जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, है ना। अब उसके तो पैसे जमा थे तो इसलिए वो वहीं बैठ गए, उनको बोलती रही सेठ जी को, आप मुझे कुछ पैसे दे दो नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं। अब सेठ जी ने उसको पैसे नहीं दिए और क्या कहते हैं कि तुम यहाँ से जा रही हो कि अपने नौकर से बुलाकर तुमको बाहर भिजवाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी, है ना। फिर क्या हुआ कि जब सेठ जी ने उसको बोला कि नहीं तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, तो उसको आशीर्वाद देती हुई वह खड़ी हो गई और क्या बोलती उसको कि भगवान आपको बहुत दे, और ऐसा करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी, सेठ जी से घृणा हो गई। अब अंधी ने क्या करा, जब उसके वहाँ से गई तो वह उसको आशीर्वाद देकर नहीं, उसको शाप देकर कर उसको ऐसा लगा सेठ जी को कि ये मुझे शाप दे रही है, लेकिन उसने क्या करा, उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, उसकी कोई भी दवा उसको काम नहीं आ रही थी, है ना। और वह सोचने लगी कि काश मेरे को सेठ जी पैसे दे देते तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लेती। वो और उसके अब मन में सोचे कि मैं कोई सेठ जी से भीख तो नहीं मांग रही थी, कोई दान तो नहीं मांग रही थी, मैं जो अपना पैसा जमा करने गई थी वही तो मैं मांग रही थी ना। तो ऐसा कहकर ऐसा सोचती जा रही है, और उससे उसके मन में सेठ जी के प्रति क्या हो गई, घृणा पैदा हो गई। ठीक है बेटा, आज इतना ही हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, आज नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है।